और छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद भी नक्सली हमले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। लगातार एक साल में दर्जन भर से ज्यादा भाजपा नेताओं की हत्या और भाजपा सरकार आने के बाद 3 महीने में 3 भाजपा नेताओं की हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस की सरकार के समय भाजपा के नेता आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के द्वारा हमारे नेताओं को टारगेट किलिंग के जरिए मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन अब उनके ही सरकार में उनके नेताओं की हत्या हो रही है। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि साय सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, आए दिन हत्या मर्डर लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, इनके सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था फेल है। वही गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सली घटनाओं को चिंताजनक और कायराना हरकत बताया है। सिर्फ 3 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई है। जब हमारी सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग कहते थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज अपनी कार्यकर्ता का सुरक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार, कितनी बेबस है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या ये टारगेट किलिंग नहीं है या कौन सा किलिंग है? मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण खो चुकी है ये सरकार। इसलिए जिस तरह से घटना हो चुकी है, लगातार हो रही है, बस्तर अशांत हो चुका है, पूरा छत्तीसगढ़। ये दुखद है भैया, ये चिंताजनक है, ये सब कुछ है, कायराना है। मतलब सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ का न्याय है भाई? और क्या चाहते हैं हम तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं भैया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात करने तैयार है, कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, मार देना लोगों को, विकास के कार्य अवरुद्ध कर देना, मतलब ये सब क्या हो रहा है?